मैं कमिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। जैसे आपने गुड मॉर्निंग कहा है और समय है 12:30। जी सर। तो आप क्या माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ सर। गुड ठीक गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जन्मेजय गोस्वामी है, मैं सागर से हूँ। ये बताइए कि आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर बैंकिंग जो सर अभी बैंकिंग सेक्टर है वो अभी सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है और सर इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और शुरुआत से ही मेरा बैंकिंग में आने का रुझान था इसलिए मैं बैंकिंग में आना चाहता हूँ। आपने क्या किया है? सर मैंने BSc किया है जियोलॉजी से। तो आपका जो सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन हमारे बैंकिंग के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? सर जियोलॉजी डायरेक्टली तो मैं ऐसा यूज़ नहीं कर सकता हूँ लेकिन जो चीज़ें मैंने ग्रेजुएशन में सीखी हैं उसको मैं अप्लाई करके बैंकिंग में सर हेल्प कर सकता हूँ। किस तरीके से? सर मैंने फील्ड वर्क जैसे जियोलॉजी है सर उसमें सब्जेक्ट में फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है। सर फील्ड वर्क सर मैंने PO का जो काम होता है सर फील्ड पर सर जो लोन रिपेमेंट के लिए जाना पड़ता है सर उसके लिए मैं जा सकता हूँ सर और मैंने जो भी प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए हैं टीम वर्क में किया है सर उसका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ सर बैंकिंग में। अच्छा, क्या आप हमारे बैंक के लिए अच्छे एसेट हैं? जी सर मैं पूरी कोशिश करूँगा। एसेट किस तरीके से? सर एसेट का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी सर चीज़ कोई वैल्यूएबल हो या कोई भी चीज़ जो हमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करे तो सर मैं बैंक में आके सर ऐसे काम करना चाहूँगा जिससे बैंकिंग जो मेरा बैंक है या उसको सर ग्रोथ मिले ग्रो हो। किस तरीके से? वही तो पूछ रहा हूँ अभी। सर हार्ड वर्क से और सर जो काम जो रहेगा टाइम पे पूरा करके सर NPA कम से कम हो उसके सर रख के जो भी है। क्या हॉबी है आपकी? सर मेरी हॉबी क्रिकेट देखना और खेलना है। कुछ न्यूज़ है क्रिकेट में? जी सर अभी U19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है ICC का सर उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है सर अभी और सर अभी हाल ही में इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज चल रही है सर उसमें 2 टेस्ट पूरे हुए हैं और जो दूसरा टेस्ट है वो इंडिया ने अभी जीता है सर 26 रन। कौन है कप्तान U19 के? सर U19 कप्तान सर उसका जानकारी में। इंडिया ने कितनी बार U19 कप जीता है लास्ट 5 साल में? सर लास्ट ईयर इंडिया ने जीता था लास्ट बार जो हुआ था सर उसके पहले मुझे याद नहीं है सर। ओके, क्या आप प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? जी सर। किस तरीके से? कभी आपने ऐसा किया है? सर अभी तक जो मैंने मेरा ग्रेजुएशन स्कूल लाइफ में सर जैसे भी मैंने चीज़ें की हैं सर उसमें मतलब बहुत प्रेशर हर जगह रहा है सर एग्जाम्स का प्रेशर रहता है जो भी रहता है सर उसको मैं हैंडल करने में सर मेरे हिसाब से मैं कामयाब रहा हूँ सर आगे भी उसकी कोशिश करूँगा। लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको हायर क्यों करें? सर मैं बैंक के लिए वैल्यूएबल होने के लिए सर वो अपनी कोशिश करूँगा सर और बैंक को अपने हार्डवर्क से सर ग्रो करने में कोशिश करूँगा। हार्डवर्क तो सभी लोग करेंगे। जी सर। केवल आप ही तो नहीं करेंगे। जी सर। और कोई क्वालिटी आपके में जिससे हम आपको हायर करें? सर मैं टीम वर्क सर जो है वहाँ पे बैंक में जो उपयोगी रहेगा वो उसको। अभी टीम को हैंडल किया आपने? जी सर मैंने सर जैसे मैंने बताया मेरी हॉबी क्रिकेट है तो सर मैंने स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ है तो सर उधर मैं कैप्टन था क्रिकेट टीम का तो सर वहाँ पे मैंने लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क से ही सर। ठीक है। सागर के बारे में कुछ बताइए। जी सर सागर मध्य प्रदेश में सर दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है शिवपुरी के बाद और सर सागर को सर 1660 में उड़ान सिंह ने फाउंड किया था और सर सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 18वीं यूनिवर्सिटी है इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है MP की। ठीक है। खेती वेती में क्या होता है BMO? सर खेती सर खेती ही सर मेजर सोर्स है इकोनॉमी का सर आसपास के गांव का या फिर जो भी सागर डिस्ट्रिक्ट है तो सर वहाँ पे खेती बहुत अच्छी है गेहूँ की खेती बहुत अच्छी है सर वहाँ पे। सागर की 5 फेमस चीज़ बताओ। सागर में सर आप बिलोंग करते हो? सर सागर में एक लाखा बंजारा झील है जो 400 एकड़ में फैली हुई है और सर सागर के मध्य में केंद्रित है वो और सर उसकी वजह से सर इसका नाम सागर पड़ा है क्योंकि वो सागर जैसी दिखती है। इसके अलावा सर गढ़पैरा का जो किला है सर जिसको ओल्ड सागर बोला जाता है दांगी किंगडम का एक कैपिटल था वो सर वो भी एक फेमस प्लेस है। उसके अलावा एरन है सर वो भी एक फेमस प्लेस है। इसके अलावा राहतगढ़ वाटरफॉल सर जो 60 किलोमीटर दूर सागर से स्थित है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है सर। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं पटवारी हैं। पटवारी? जी सर। ठीक। सागर की इकोनॉमी कैसे चलती है क्या ऑब्जर्वेशन किया है आपने? सर मेजर सोर्स इकोनॉमी का सर सागर में एग्रीकल्चर ही है फार्मिंग है सर और इसके अलावा सर वहाँ पे पुराने टाइम पे सर उद्योग बहुत प्रचलित हैं उद्योग बीड़ी उद्योग जो हुआ करते थे सर वहाँ से सर मेजर इकोनॉमी का सोर्स था। अभी भी सर छोटे छोटे इकोनॉमी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि
अगरबत्ती की इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रीज से सर मेजर सोर्स इकोनॉमी का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है सर। अच्छा, तो इन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं क्या और अच्छा करने के लिए? जी सर, उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन है सर। इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में कोई एक बैंक है जो उसी पर फोकस है, जानते हैं आप उसके बारे में? सॉरी सर। अच्छा, हमारे देश में एक सेक्टर है अगर आपने सुना हो, एमएसएमई सेक्टर। जी सर। क्या होता है ये एमएसएमई? सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सर इसका मतलब होता है सर। इसमें तीन अलग तरीके के इंटरप्राइजेस होते हैं सर। माइक्रो इंटरप्राइजेस जो रहते हैं सर, इन सब में अलग अलग लिमिट रहती है सर, इनका कितना टर्नओवर है, ईयरली टर्नओवर है। तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है वो माइक्रो इंडस्ट्री के तहत आएगी, माइक्रो सेक्टर के तहत आएगी? माइक्रो जैसे कहा जाए कि बीड़ी बनाने वाला कारखाना जी सर, कि मान के चलिए कुछ और बड़े लेवल पे स्टील बनाने वाला कारखाना जी, तब किसे कहेंगे माइक्रो, किसे कहेंगे स्मॉल, किसे कहेंगे मीडियम? सर जो कि इनका टर्नओवर होता है, जो भी सर ईयरली अमाउंट या फिर जो रहता है सर, उसके हिसाब से सर इनको डिवाइड किया जाता है सर। एग्जैक्ट अमाउंट सेम टर्नओवर होता है? नहीं सर, इसमें दो तीन क्राइटेरिया होते हैं सर इसके। जैसे सर इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सर, उसके बेसिस पे भी कि इतना इक्विपमेंट्स कितने अमाउंट का जो भी है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्लांट और मशीनरी? जी सर, 5 लाख का जो रहता है सर, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहता है शायद उसको सर स्मॉल में, और 1 लाख से कम में जो रहता है वो माइक्रो बोले जाते हैं। आपने पढ़ा है कि आप? सर मैंने पढ़ा है सर, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सर, मैं अमाउंट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। वैसे हमने सुना है माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए होता है अप टू 1 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट और मशीनरी में, और आप 5 लाख कह रहे हैं, तो ये तो मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक, कोई बात। जैसे आपने एग्रीकल्चर का भी नाम लिया जी सर, तो एग्रीकल्चर के लिए भी एक बैंक होता है जो उनके लिए रेगुलेटिंग बॉडी के लिए भी रेगुलेटिंग बॉडी बन के काम करता है? नबार्ड सर। नबार्ड, जानते हैं आप उसके बारे में? जी सर बताइए। सर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में सर फॉर्म हुआ था। ऑब्जेक्टिव बताइए, हम ईयर नहीं जानना चाहते, ऑब्जेक्टिव बताइए। जी सर, सर नाबार्ड जो भी सर एग्रीकल्चर या बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए सर जो भी कैपिटल प्रोवाइड या फिर जो फंड लोन दिया जाता है सर, वो नाबार्ड देता है सर। इसके अलावा सर इसके ज़्यादा डिटेल नहीं है आपको पता। अभी लेटेस्ट भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ है जी सर, समय पहले। जी जी, तो कितने लोगों को ये भारत रत्न मिला है? सर 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। जी सर। सर पहला लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे सर, इनके लिए। चरण सिंह जो भी प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर, लाल कृष्ण आडवाणी जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। जी सर, पता है आपको ये बात? जी अच्छे से पता है। जी सर ठीक है, और बताइए। सर एम एस स्वामीनाथन जी जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जिनका सहयोग था सर, उनके लीडर कहा जाता है ये थे। और कर्पूरी ठाकुर सर बिहार के फॉर्मर सीएम थे सर, और सर एक और नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, एक नाम सर नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी, तो आप नरसिम्हा राव जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कुछ उनके समय से बहुत फेमस बात है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं आपको। नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी, आप बताइए इसके बारे में। सर मुझे इसका आइडिया नहीं। आप बैंक की प्रिपरेशन करने कर रहे हैं और बैंक में आना चाह रहे हैं जी, और आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं पता? नहीं सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। 1991 में कुछ एलपीजी मॉडल सुना है आपने? रिफॉर्म से रिफॉर्म? नो सर। ठीक है, अभी ये बताइए कि पिछले कुछ 1-8 साल में बैंकों में कुछ सुधार हुए हैं क्या, कुछ नियम कानून में? जी सर, बहुत सारे सुधार हुए हैं। जैसे सर, जैसे कि बैंक में सर केवाईसी के थ्रू सर बहुत सारे जो केवाईसी होता है सर, नो योर कस्टमर सर, उसके तहत बहुत सारे लोगों को केवाईसी किया गया है। और सर बहुत सी चीज़ें मैंडेट की गई थी, अगर आप केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको डीबीटी हो गया, जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट स्कीम्स का सर जो भी फ़ायदा रहता है वो नहीं मिलेगा। और बैंक ने सर अभी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है सर, अभी अकाउंट्स खोलने में और हर चीज़। अच्छा, क्रेडिट ग्रोथ हुई है। जी सर। एनपीए सुना है आपने? जी सर। इसके लिए एक बैड बैंक बनाया गया है। जी सर, बताइए जरा उसके बारे में। सर बैड बैंक सर जो भी एनपीए होते हैं बैंक से सर, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं सर, बैड बैंक जो रहता है सर, इसके लिए एनपीए जो भी रहते हैं सर, सभी बैंकों के एनपीए के रिकॉर्ड ये खरीद लेता है सर, इसके पास पूरे एनपीए के रिकॉर्ड्स रहते हैं। और जो कि बैंक अपने रिटर्न जो रहता है, दो एजेंसी का नाम आया था नहीं सर, एजेंसी के बारे में जानकारी नहीं है सर। एक टर्म होती है सिक्योरिटी रिसीट, इसी के अंतर्गत
सिक्योरिटी रिसीट सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस टाइप का। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का समिट हुआ था जी सर, तो क्या उसका आउटकम आया, कुछ है जानकारी? सर उसमें जो रेपो रेट है सर उसको 6.5 ही रखा गया है सर, उसके अलावा जो भी और रिवर्स रेपो रेट है सर इसको जो भी जो अनचेंज्ड है 3.35 सर, बहुत टाइम से ये फेब 2023 से मेरे ख्याल सर जब से अनचेंज्ड है सर ये दोनों चीज़ें। क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों इनको डाउन नहीं किया गया? सर रेपो रेट का मतलब होता है सर जिस रेट पे सर बैंक सर उधार लेते हैं आरबीआई से, तो सर इन्फ्लेशन जो भी होता है तो रेपो रेट का उसमें यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेशन अभी सर जो है वो लिमिट में है, 2-6% के बीच होना चाहिए, तो सर ना वो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इसलिए रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। अच्छा, कुछ स्टेंसेस होते हैं जिसे अकोमोडेटिव बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं और कैलिब्रेटेड बोलते हैं, क्या होता है स्टेंस? सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो आपने जैसे सुनी है अभी बताया, तो इसके मेंबर के नाम आप बता सकते हैं? नो सर। अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं? तो न्यूज़पेपर से रखता हूँ, सोशल मीडिया से। दो तीन बातें बताइए जो करंट अफेयर्स की हो और नेशनल इंटरनेशनल, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। सर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेके एक न्यूज़ सर अभी बहुत चर्चे में चल रही है। क्या था? सर इसको आरबीआई ने 29 फरवरी से अपने पूरे ऑपरेशंस बंद करने के लिए बोला गया है सर, क्योंकि इनने जो कंप्लाइंस जो आरबीआई के गाइडलाइंस रहते हैं सर उसको फॉलो नहीं किया है, केवाईसी नॉर्म्स थे सर जो उसको फॉलो नहीं किया है, तो इनसे बोला गया है कि आप अपने पूरे ऑपरेशंस बंद कर दीजिए 29 फरवरी से। तो अचानक कभी भी ऐसा आरबीआई एक्शन ले सकता है, पहले उनको कुछ वार्न करना चाहिए? जी सर 2022 में इनको वार्न भी किया गया था और इनको सर अभी अक्टूबर में 5 करोड़ की पेनल्टी भी सर इन पे लगाई गई थी, उसके बाद सर ये एक्शन लिया गया है। तो KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं आप? जी सर इसमें सर मेजर 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, नरेगा कार्ड होता है और सर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ड्राइविंग लाइसेंस भी इंक्लूड होता है इसमें। आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसमें कितने डिजिट? सर 12 डिजिट होते हैं। 12 डिजिट जी सर। तो आपको लगता है कि आपको बैंक में आने से कुछ बैंक में सुधार होगा? जी सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं बस वो क्वालिटी आपकी जानना चाह रहा हूं कि क्या है आप में दूसरों से अलग। सभी होते हैं हार्डवर्क। जी सर बिल्कुल। जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने आए सभी हार्डवर्क होंगे। बिल्कुल। सभी के अंदर डिवोशन होगा, डेडिकेशन होगा। जी आप कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए अपने जीवन का जिससे हमें लगे कि आप में औरों से कुछ अलग, कभी कुछ ऐसा हुआ? सर मेरा जो मैं बताना चाहता हूँ सर जो मेरा जो नेचर है सर, मैं मतलब उसको सर वीकनेस भी बोल सकते हैं। अभी तक के इंटरव्यू में हमको ये लगा है कि आप इन जनरल आंसर दे रहे हैं। जी मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, वही हम जानना चाहते हैं कि कैसा हो जाएगा, क्या है आपके अंदर? सर मेरा सर जो भी काम जो मुझे दिया जाता है सर मैं उसको टाइम पे ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ और मैं टाइम पंक्चुअलिटी के साथ काम करता हूँ, तो सर बैंक में भी जैसे काम आएंगे जो भी काम रहेगा सर उसको मैं जानना चाह रहा हूँ, बताइए काम क्या होता है सर बैंक में? पीओ की प्रोफाइल क्या होगी, क्या करना होगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी पीओ की? सर पीओ को सर पूरी ब्रांच जो रहती है उसको मैनेज करना पड़ता है सर, क्रेडिट से लेके लोन से लेके सर लोन रिकवरी हो गया सब डिपॉजिट सर हर सारे काम पीओ के लिए संभालने पड़ते हैं सर। इसी हिसाब से सर पीओ के लिए जो असाइंड वर्क जो क्लर्क के लिए दिया जाता है उसको भी टाइम पे कराने का पूरा जिम्मेदारी जो रहती है वो पीओ के ऊपर रहती है सर, तो सर मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको सही से करने का। ठीक है जन्मेजय जी, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। आपने जो भी आंसर किए हैं ये ऐसे समझ लीजिए कि ये फैक्चुअल तो नहीं काउंट लगे हमको। फैक्चुअल का मतलब यहाँ ये होगा कि आप घुमाने की थोड़ी सी कोशिश कैसे कर रहे थे कि मैं जो भी काम होंगे वैसा करूंगा, जो भी मत बताइए जी सर, मैं किसी के साथ काम भी बता सकते हैं कि सर ये होता है, ये चीज होती है, ये चीज होती है, इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, जो कार्य होता है उस कार्य के बारे में बताइए और उसको आप बेहतर तरीके से कैसे करेंगे वो भी बताइए, तो सामने वाले को लगेगा आप यहाँ पर आने वाले हो, तो आपको पहले से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि हम ये करने वाले हैं और अब हम उनको इस अच्छे तरीके से करेंगे, ये आप बताइए। जी समझ गया, तो ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि हम जिस जगह जाने वाले हैं। एक बार बताइए आप जिस किसी से मिलने वाले होते हैं जहां कहीं जाने वाले हो तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं? बिल्कुल सर। क्यों रिसर्च करते हैं? अच्छे से बात कर सके उनसे, सब कुछ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। तो पहले जरूरी है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझना कि पीओ का कार्य क्या होता है,
ये पहले जानिए आप जी सर, बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये भी आपको पता हो, तब आप अभी आप पहले अवेयर नहीं, आपको तो ऐसा लग रहा है कि हमें आपको सिखाना पड़ेगा जी सर, फिर उसके बाद आप कुछ सीख करके कार्य करेंगे, तो आप पहले से बताइए कि हमें कम सिखाना पड़ेगा आप जी, समझ गए ऐसा, ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में इससे बेहतर प्रदर्शन की बिल्कुल सर पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, थैंक यू सर।